सफर करने का अलग आनंद आता है। आप देख रहे हैं कि मेट्रो में एक्सटेंशन हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो मेट्रो वही मेट्रो जो है आज उसका विस्तार भी होगा। ये बहुत ही गर्व की बात है। सेकंड फेज हमारा सपना अभी भी है सीतापुर अंबाबाड़ी तक का। इस बार हम गारंटी देंगे, अब वो गारंटी शुरू कर दिया हमने। सरकार आएगी हमारी तो मेट्रो सेकंड फेज सीतापुर अंबाबाड़ी वो बनेगा, ये गारंटी देने जा रहे हैं। तो काफी विकास हुआ है। लोग कहते थे ये मेट्रो की जो रही बहुत की घाटे का सौदा है, तभी मैंने समझा था सौदा बदल गई थी और हमारे बदलने के बाद में आलोचना की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा भी, बहुत ही घाटे का सौदा है। तो मैंने कहा था दुनिया भर के अंदर जहाँ मेट्रो चलती है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चलती है, घाटा दफा नहीं देखा जाता है। वो बात मैं हार कहता हूँ, घाटा है तभी ट्रैफिक जैम होने लग गए इसमें राहत मिलेगी। किस प्रकार से मेट्रो अपना महत्वपूर्ण है, अब कंट्री के हर शहरों में मेट्रो आ रही है, हमने बहुत पहले शुरुआत इसकी कर दी। हमें गर्व है कि हमने टाइमली मेट्रो की शुरुआत भी कर दी और काम रिकॉर्ड टाइम पूरा भी कर दिया 3 साल के अंदर अंदर। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस जमाने के अंदर। मेट्रो मैन जो थे श्रीधरन जी, उनको हमने खुद ने बुलाया यहाँ पर, और तत्कालीन मंत्री भी हमारे राजीवाली थे उस वक्त में भी, उस वक्त ही जो शुरुआत करी टाइमली शुरू हुआ, टाइमली काम पूरा भी हो गया। दुर्भाग्य से जो अंडरग्राउंड वाला काम था डेले हो गया, अब विस्तार हो रहा है। उसके बाद हम चाहेंगे कि अंबाबाड़ी हो उसके साथ साथ बार बार मैं बोलता हूँ चौमू है, बदू है, बस्ती है, चाकचू है, शाहपुरा की तरफ है, जहाँ भी जा सकते मेट्रो वहाँ पे जानी चाहिए, तब जाके ट्रैफिक बहुत हो। मान के चले कि जब अपनी सरकार आपकी रिपीट होगी तो ये जो सीधा बता रहे हैं गारंटी है, रिपीट होगी तो सीतापुरा से अंबाबाड़ी की गारंटी है, बाकी फैलाव जो है उसकी डीपीआर के लिए हमने मेट्रो का सुविधा दे रहे हैं। बहुत बड़ी सुविधा हो गई है मेट्रो। आप देख के आए थे तो विपक्ष ने सवाल किए थे कि मेट्रो में क्या होता है, कि दुनिया भर के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं मिली क्योंकि हमारी दायित्व निभाई जाती देखा जाता है। आज वो शुद्ध हो गया है, इतना फर्क पड़े ट्रैफिक में, इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसके अंदर आपको मेट्रो मिल गई है। 50,000 लोग प्रतिदिन पैसेंजर बैठे हैं इसके अंदर, ये हमारी उपलब्धि है।